हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 6 तो सुबह के बज रहे हैं 6। मेरी मॉर्निंग का रूटीन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो बाबू भी मेरी आवाज़ से थोड़ा थोड़ा सा उठे हुए हैं, तो बाबू हाय बोल दो। चेची बोलो, देखो बाबू छोर है। और ये देखिए जिमी भी खुला खुला है, ये बैठा। जिमी हाय बोलो। हाय गाइस बोलो, हाय गाइस बोलो। जिमी कह रहा हेलो, तो जिमी भी आपसे हेलो बोल रहा है। और मैं ये बना रही हूँ मशरूम की सब्जी, आप देख सकते हैं। भाप भाप हो गया, मैंने चाय चढ़ा दी। आज एक्चुअली बहुत सारे कपड़े हैं, तो मैं थोड़ा सा मुँह हाथ धुल के ही मैं कर रही हूँ, नहाया नहीं सुबह क्योंकि कपड़े धुलने में। और अभी इतने बर्तन हैं, ये मानूंगी पूरा घर अस्त व्यस्त है। आज बेड शीट वगैरह भी चेंज करनी है पूरी। तो देखिए अभी इन लोगों को खाना और नाश्ता, नाश्ते में मैं चाउमीन बनाऊंगी आज बच्चों के लिए। और नाश्ता और खाना टिफ़िन दे के इन लोगों को भेज देंगे, उसके बाद ये सारा काम मैं करूंगी। पापा उठ गए केवल, और ये भी सो रहा है। और ये दोनों लोग पापा के कमरे में सोए। आयुष पीयूष आई, ये देखो हाय बोलो, हाय बोलो। अच्छा बुआ बुआ हाय बोल दो। अच्छा हाय बोल दो, गुड मॉर्निंग कह दो, गुड मॉर्निंग बोल दो। तो इसका मतलब कि भी थोड़ी बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। देखिए रात में इन लोग गर्मी लगी, पंखा भी चालू करके इन लोग सोए। तो ये भी कमरा फैला हुआ है, तो सभी करना है। ये कपड़े रखे हैं धुलने के लिए, और ये बाल्टी में भीग रहे हैं, सारे कपड़े धोने हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। तो ये देखिए मिंटू एंड मिंटी दोनों सोच रहे हैं, तो कुछ खाने को दे रही है मम्मा। तो ये चूहे हैं मेरे, वाइट वाले, ये बच्चों की शौक है तो बच्चों ने पाले। और ये हमारी, ये देखिए क्यूटी, हमारी ट्यूटी है ये। ट्यूटी आए बोलो, गुड मॉर्निंग। ये दोनों सोच रहे हैं कुछ खाने को दें तो हम खाएं, अभी देंगे इनको, भूखे हैं। तो पूरा इनको ढक के रखते हैं, उड़ा के, ताकि ठंड ना लगे। पूरा घर फैला आप देख सकते हैं। बाबू तो गए आज भी, तभी मैं ऐसे बना रही हूँ। मैं फटाक से इन लोगों को टिफ़िन दे दूँ, क्योंकि ये लोग करीब 8 बजे तक चले जाते हैं। फिर आपको शेयर करती हूँ, अभी आपसे मिलते हैं, ठीक है। अच्छा ये फ्रिज पे रखा तो है स्टैंड, लेकिन अभी ये आयुष उठेगा, मुझे इसका पता नहीं ये कैसे लॉन्ग किया जाता है। ये स्टैंड देखिए रखा है, लेकिन ये आयुष ही इसको सेट करता है, मैं नहीं कर पाती। तो आयुष उठेगा तो सेट करेगा, तब मैं आपको दिखूंगी। चलिए जब तक जल्दी से खाना बना दें। तो बाबू रेडी हो रहा है, अब बाबू की चाय तैयार है। ये चाय रही, ये नमकीन रही। बाबू सुबह सुबह मतलब ज़्यादा नहीं खाते, करीब 7:30 बज रहा, तो सुबह सुबह कह दो आप लोग पी लीजिए, नमकीन खा लीजिए। तो कह दो मैं ज़्यादा नहीं खाता, बताओ ना। थोड़ा सा खाता हूँ, दोपहर में खाता हूँ। सुबह कौन खाता है ना, सुबह नहीं, सुबह सुबह नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने रोटियां बना ली हैं, बस फटाफट इसमें घी लगा के सब्जी रोटी में पैक करती हूँ टिफ़िन में। तो टिफ़िन भी और पैक हो गया है, ये बोतल है जाती है जिसमें दूध आता है। ओ भाई बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो
तो पापा लोग सब ड्यूटी जाने को तैयार, साथ में जाते हैं और साथ में ही वापस आते हैं। बाय, ऐसे करो। ठीक, बहुत ठंडी हवा चल रही है, देखिए आप। सब जा चुके हैं और अपना बच्चा पार्टी भी उठा उठा नज़र आ रहा है। और देखिए, उठते ही पीयूष ने अपने हाथों में बिस्किट ले लिया है। एक्चुअली मैं दो दिन में बच्चों को नहलाती हूँ और कपड़े चेंज कराती हूँ, तो सब कपड़े एक साथ उतरते हैं, तो मैं 2 से 3 दिन में सबके कपड़े धोती हूँ एक साथ घर में भी। बाकी तो मैं ऊपर झाड़ू लगा लेती। आज थोड़ा सा ये था कि घर का पूरा ही काम करना था, तो बर्तन भी मतलब पहले तो कोशिश तो यही रहती रोज़ रात में ही साफ कर लें, क्योंकि कभी कदार रात में देर नाइट हो जाती है, काफ़ी 11:30-12 बजे खाना ही खाना हो जाता है, तो टाइम हो जाता है। उसके चलते मतलब नहीं हो पाता है, क्योंकि रात में 12-1 बजे तक काम ही करेंगे तो सोएंगे कितने बजे, तो इसलिए मैं 2 से 3 दिन में मॉर्निंग में ही ये सारा काम करती हूँ। तो अभी सब चले गए, आप देखिए पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ की भी बेडशीट चेंज करूँगी और पूरा काम करूँगी। इन सब के जाने के बाद बाकी झाड़ू वाड़ू सुबह ही लग जाती है, आज नहीं लगाई क्योंकि मैंने सोचा कपड़े आप लोग भी धोते होंगे तो कपड़े धुलो तो हाथ पर कपड़े भी गीले हो जाते हैं, तो ये हुआ कि नहाऊंगी बाद में, पहले फ्रेश होकर अपना खाना पीना जो बनाना था मैंने बना दिया टिफ़िन, ताकि ये सब लोग चले जाएं। और फिर उसके बाद मैं सारा काम करूंगी। चलिए अभी मिलते हैं आपसे। तो सब चले गए फैमिली। मैं अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी से करती हूँ, तो 1 से 2 गिलास मैं गर्म पानी पीती हूँ। और आज अगर आप महसूस करेंगे तो आज हवा, रात से ही हवा बहुत तेज़ चल रही है, अभी भी हवा बहुत तेज़ चल रही, तो ये मैंने आई उसको टोपा लगा लिया क्योंकि ठंड लग रही। तो बच्चे तो बिस्तर में ही हैं अभी, इन लोगों भी कपड़े चेंज कराऊंगी और काम करूंगी। सबसे पहले काम करूंगी, मेरा 10-10:30 बजे तक काम कंप्लीट हो जाता है रोज़ डेली, इतने बजे तक काम में फ्री हो जाती हूँ। बाकी आज थोड़ा सा अगर टाइम हो सकता रखा था कि मैं कपड़े धुलूँगी और क्या बोलते हैं, अभी बच्चों के कपड़े भी मैं चेंज कराऊँगी, सब को चेंज कराऊँगी, नहलाऊँगी। एक्चुअली सर्दी में रूटीन चेंज कर देती हूँ, सभी का घर का होता होगा रूटीन, मेरे घर का चेंज है, क्योंकि सुबह सुबह आयुष के पापा 7 से 7:30 बजे तक दुकान हमको पहुंचना ही पहुंचना होता, तो टिफ़िन भी देना होता, तो सुबह मॉर्निंग में तो बाकी तो झाड़ू मैं नहा तो डेली लेती हूँ रोज़, और झाड़ू पोछा इसलिए मैं बाद में थोड़ा सा आगे मैं लगा लेती हूँ झाड़ू वाड़ू पहले, उसके बाद मैं दोबारा लगाती हूँ झाड़ू पोछा वगैरह उनके जाने के बाद, कपड़ा है ये सब कपड़े बाकी जो रूटीन्स के काम होते हैं उनके जाने के बाद ही करती हूँ। और जैसे मैं डेली करती हूँ, 10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। बाकी आज सर्दी ने अपना रुख मतलब जाते जाते सर्दी ने कब का पहाड़ दे रही है, तो इससे भी बच के रहना है। और मैं जाड़े में बच्चों को देर से ही उठाती हूँ, अभी ये सब आवाज़ सुन के उठ गए, मैंने सोचा आपके साथ अपना रूटीन शेयर कर देती हूँ सुबह मॉर्निंग का। तो सब आवाज़ से मेरी उठे हैं, सब लेटे हुए हैं, अभी स्टैंड आयुष ने स्टैंड लगा दिया तो काम काफ़ी हल्का हो गया। तो चलिए मैं पानी पी के बाकी काम कर लेती हूँ।
चादर से पहले मैं गद्दे पे जो है ये पॉलीथिन बिछाती हूँ, और जब से ये बाबू हुआ तब से मैं ये करती हूँ। चादर के नीचे मेरी पॉलीथिन जरूर रहती है। एक्चुअली बाबू सुसू नहीं करता है, लेकिन अभी जाड़ा हो या गर्मी बच्चे बेड पे ही कुछ खाते पीते रहते हैं, बाबू कभी गिरा दे तो गद्दा ना खराब हो, इसलिए अब इस पर चादर बिछाएंगे। तो मैंने बिस्तर बना दिया है, अभी मैं उस कमरे में सफाई बिस्तर बनाऊंगी जाकर। तो देखिए बिस्तर बन गया पूरा मेरा। ये भी कमरा चादर मैंने चेंज कर दी है, बेडशीट मुझे हफ्ते में चेंज करनी पड़ती है। मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। अभी मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ पूरे दोनों कमरों में। हो गई है तो बच्चों के लिए चाउमीन बना रही हूँ। चाउमीन पहले से बॉईल करके रखी थी, बना के तो ये गाइस देखिए कमरा भी साफ हो चुका है। हमारी चाउमीन बन के रेडी हो गई है, देखिए अभी बच्चे खाएंगे और टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी बनी है। तो बच्चा पार्टी खा रहा है हमारा। कितने नंबर दोगे बाबू, जल्दी बताओ, जल्दी से कितने नंबर दोगे, कैसी बनी? नंबर बताओ कितने देंगे, टेस्टी तो बनी है। 10 में 10 नंबर मिलेगा भाई हमको, 10 पे 10। चलो अच्छा, तो फैमिली आज का हमारा रूटीन ब्लॉग आपको कैसा लगा, तो क्या बोलना है बोलो जल्दी जल्दी। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और उसके बगल में बेल आइकन आता हो उसको प्रेस कर दीजिए, फिर आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आती रहेगी। और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके गाइस बाय। तो बाय फैमिली, फिर मिलते हैं कल, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। क्या तो बाय फैमिली, बाय।